Hello, my dear students and lovely friends. This is another part of chapter Atoms and Molecules. इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं. लेट्स सपोज आपको कोई भी फार्मूला लिखना है, बनाना है, लिखना नहीं है, जस्ट उसे बनाना है कि किस तरीके से हम उस फार्मूला को बना सकते हैं, वो हम देखते हैं. जब भी हम कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसके दो पार्ट्स रहते हैं, वन इज़ पॉजिटिव, अनदर इज़ नेगेटिव. तो हर एक फार्मूला में आप कोई भी आज कॉपी उठा के देख लेना, बुक उठा के देख लेना, जितने भी फार्मूलाज आप देखोगे उसमें दो पार्ट्स हैं, एक फ्रंट एक बैक. जब भी कोई फार्मूला लिखा है HCl, इसका जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट रहता है हमेशा पॉजिटिव का, और जो बैक है दैट इज नेगेटिव, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव होगा. अब जब मुझे कोई फार्मूला बनाना है उसे कैसे बनाना है, सपोज वाटर का हमने फार्मूला लिखना है. वाटर में H2O होता है, आपको सबको पता है, दो मॉलिक्यूल हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन. हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, दोनों के वैलेंसी लिख लीजिए, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे. ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, तो इनको ऐसे एरो लगाना है और इनके पैर में ले जाना है, H2O के पैर में वन. अब ये दो चार एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका फॉर्मूला लिखेंगे. सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का O, दोनों की वैलेंसी लिख लीजिए, सोडियम की वैलेंसी पॉजिटिव वन, ऑक्सीजन की नेगेटिव टू. तो आपने कैसे लिखना है, इसको इसके पैर में, इसको इसके पैर में. हमारे पास क्या बना, Na2O, ये बना सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला. अब इससे अगर हमने आयंस बनाने हैं, आयंस कैसे बनेंगे, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, Na पॉजिटिव O 2 नेगेटिव, ये बनेगा. अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, क्लोरीन का सिंबल Cl, दोनों की वैलेंसी चेक कीजिए. एल्यूमिनियम का कितना एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है, 13 है, तो 283, कितनी वैलेंसी 3. क्लोरीन की 287, कितनी वैलेंसी -1. ये इसके पैर में, ये इसके पैर में, तो फॉर्मूला क्या बना, Al, L के पैर में 1, Cl, L के पैर में 3. अब इससे अगर मुझे आयंस बनाने हैं, अगर मुझे आयंस चाहिए, आयंस कैसे बनाऊंगी, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, 3Al के ऊपर, Al 3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूंगी, Mg हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी आपको याद करवाई थी -1, मैग्नीशियम की 282 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा पॉजिटिव 2 वैलेंसी है. इसको इसके पैर में, इसको इसके पैर में, यहाँ पे Mg के पैर में 1, OH के पैर में 2. अगर इससे आयंस चाहिए, आयंस उल्टे कर लो, Mg के ऊपर ये वाला जाएगा, Mg 2 पॉजिटिव, OH 1 नेगेटिव. अगर जब 1 लिखते हैं तो जनरली हम 1 को स्किप कर देते हैं, नहीं लिखते. पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का SO4, वैलेंसी इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर, 2881, लास्ट वाले में 1, तो इसकी वैलेंसी पॉजिटिव 1, सल्फेट की नेगेटिव 2. ये इसके पैर में, ये इसके पैर में, के पैर में 2, सल्फेट SO4, ये एक साथ है, इसके पैर में कुछ नहीं 1. और अगर आयंस बनाने हैं, ये इसके सिर पे है, ये इसके सिर पे, क्या के पॉजिटिव, SO4 वैलेंसी ऊपर जाएगी, 2 नेगेटिव. अब आप एक चीज़ देखिए, सब में गौर कीजिए, जिसकी जितनी वैलेंसी है उसके ऊपर उतना ही चार्ज है. एल्यूमिनियम की 3 थी, 3 पॉजिटिव, क्लोरीन की -1 थी, -1, और मैग्नीशियम की पॉजिटिव 2 थी, उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज. मैंने आयंस एंड में इसीलिए बनाए हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको आयंस बनाने हैं, मैंने आयंस सिर्फ इसीलिए बनाए ताकि आपको ये कन्फर्म हो सके कि जिसकी जितनी वैलेंसी है घूम फिर के उसके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स हाउ यू कैन क्रिएट सम फार्मूलाज, राइट सम फार्मूलाज,
अब इनको आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर कुछ फिर भी दिक्कत आ रही है मैसेज में, कमेंट में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी वीडियोज़ को ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।